चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सौरभ इन्वेस्टेड इन द रुपीज़ 5/3/5 lakhs इन अ बिजनेस। सौरभ भाई हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कितने रुपीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, 5/3/5 lakhs को, किस पे, एक बिजनेस पे, और अर्न कितना करते हैं, प्रॉफिट जो है 7/1/4 ठीक 1000। वॉट इज़ द कैपिटल अवेलेबल फॉर द एक्सपेंडिचर, मतलब वो बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर के लिए अब कितनी कैपिटल अवेलेबल है, मतलब इन दोनों नंबर को हमको सॉल्व करके और उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसका बेसिक फार्मूला समझ लो कि जैसे इसको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में बदल के जितना भी लैक्स में पॉइंट आएगा और इधर जितना थाउजेंड में आएगा, दोनों को ऐड करके दोनों को सॉल्व कर देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लो। यहाँ पे गिवन सौरभ इन्वेस्टेड 28/5 lakhs इन अ बिजनेस, जो कि गिवन है हमारे पास, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ कि सौरभ भाई इन्वेस्ट करते हैं कितना, 28/5 कैसे हुआ, देखो आपका जो क्वेश्चन था 5/3/5 था ना, आप अपना 5/3/5 था, तो ये जब हमारा ऐड होता है तो 5/5 = 25 + 3 = 28 हो जाएगा। इसी तरीके से 7/4 = 28 और 29/7 हो जाएगा, ये दोनों आपका ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर देखो बिजनेस एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 29/4, जो मैंने देखो फर्स्ट वाले को जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया उसको जब कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, जो बाई करके है तो वो आपका जैसे मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करोगे तो 28/5 आ जाएगा, ये 29/4 आ जाएगा, ठीक है ना, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है वॉट इज़ कैपिटल अवेलेबल फॉर द एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल कितना है जो अवेलेबल है किसके लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है। नाउ द कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट। कैपिटल टोटल कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और टोटल उसका क्या हुआ, जो प्रॉफिट आया वो दोनों को ऐड कर देना है। तो सो अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 28/5 lakhs, सो इसको जब हम 28/5 को डिवाइड करेंगे तो 5.6 lakh आ जाएगा, ठीक है ना। 5.6 lakhs का मींस कितना होता है, 5,60,000 होता है, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो द प्रॉफिट, अब हमको जानना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। सो प्रॉफिट विल बी 29/4,000, उसमें लिखा है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2,000 हो गया आपका। अब 7.2000 मींस को आप जब उसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,250 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7. अगर 2 लिखा हुआ है तो 7.2 का मतलब होता है, 7.2 का मतलब होता है 250 रुपीज़, राइट। अगर देखो एक रुपये में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास कितना है, 1000 रुपीज़ है, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ का मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2.2 मेरे पास है, तो मतलब 254 times जब ऐड करेंगे, 5 times तब ना जाएगा, तो 250 को ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो 7.2 का मतलब यहाँ पे कितना गिवन है, 7,250। अब देखो यहाँ पे 5,60,000 प्लस 7,250 दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 5,67,250, ये हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा।